शैतान यीशु की परीक्षा करता है। यीशु का बपतिस्मा होने के तुरंत बाद ही पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया। यीशु वहां 40 दिन और 40 रात था। उस समय उसने उपवास किया और शैतान ने यीशु के पास आकर पाप करवाने के लिए उसकी परीक्षा की। पहले शैतान ने यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी बना दे ताकि तू खा सके। परंतु यीशु ने शैतान से कहा, परमेश्वर के वचन में यह लिखा है, जीवित रहने के लिए मनुष्य को केवल रोटी की आवश्यकता नहीं है, परंतु उनको हर उस बात की आवश्यकता है जो परमेश्वर उनसे कहता है। तब शैतान यीशु को मंदिर के सबसे ऊंचे सिरे पर ले गया। उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो यहाँ से नीचे कूद जा, क्योंकि लिखा है, परमेश्वर तुझे उठाने के लिए अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तेरे पांवों पर पत्थर से ठेस ना लगे। परंतु यीशु ने वह नहीं किया जो शैतान ने उससे करने के लिए कहा था। इसके बजाय उसने कहा, परमेश्वर हर एक से कहता है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। फिर शैतान ने उसे संसार के सारे राज्य दिखाए। उसने उसे दिखाया कि वे कितने शक्तिशाली थे और वे कितने संपन्न थे। उसने यीशु से कहा, मैं तुझे यह सब दूंगा यदि तू घुटने टेक कर मेरी उपासना करे। यीशु ने जवाब दिया, हे शैतान, मेरे पास से चला जा। परमेश्वर के वचन में वह लोगों को आदेश देता है, केवल अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर के रूप में केवल उसी का आदर करो। यीशु ने शैतान की परीक्षा से हार नहीं मानी, इसलिए शैतान उसके पास से चला गया। तब स्वर्गदूत आकर यीशु की सेवा टहल करने लगे।